सो हेलो एंड वेलकम टू अनदर सेशन पिलामने। एटा होची तमरो ए जो प्रथम अध्यायर लास्ट पार्ट पार्ट 9। आगरो तमने बाकी पार्ट गुडा देखी थी बोली मोर आशा। जद देखिनो डिस्क्रिप्शन रे लिंक अछि, जाकी चेक कर देबो। फिजिकल साइंस तो सब गुडा का वीडियो प्लेलिस्ट अछि। ठीक अछि, तो चलो आरंभ करबा आजर पार्ट सेशन। पिलाने प्रीवियस क्लास रे मु तुमको बाष्पीकरण पढ़ाई थी, बा अन्य सब जुड़ा जहाँ की गलन बाष्पीकरण ऊर्ध्वपातन एगुड़ा विषय पढ़ाई थी। आज हम पढ़ा बाष्पीभवन कौन। ठीक अच्छे पिलाने, स्फुटनांक विषय भी आग क्लास तुम जान लो, जो जिनसा जो कौन सी भी तरल गैसीय होगापी कौन दरकार ना, स्फुटनांक अधिका तापमात्रा हेले ही सी तरल गैसीय परिणत होता स्फुटनांक जाए पहुंचला हम राइट ना नहीं। तो जलर स्फुटनांक के 100 डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन के तुम कमेंट सेक्शन लिख। ठीक अच्छे, तो जलर स्फुटनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड, किंतु 100 डिग्री सेंटीग्रेड को जल न जाकि जदि जल तरल बाष्पीभूत होती बाष्पी भवन कहब। देख पे ये तार सिंपल आम ये देखिपर तो डेफिनेशन देखिपर जो प्रक्रिय स्फुटनांक स्फुटनांक जदि स्फुटनांक 100 डिग्री सेल्सियस कम थिबा जे कोनोसी तापमात्रा रे कम थिबा माने 80 टा ताटो कम अछि नै, जे कोनोसी तापमात्रा रे तरल पदार्थ गैस रे परिणत होइथाए, तरलटा कोथे परिणत हबो गैस रे परिणत हबो, ताहाकु बाष्पीभवन कहा जाय बा बाष्पीभवन बोली कहा जाय। ठीक अछि, तो ध्यान दे देखिबा एडी बाष्पीभूत हाँ कौन दरकार प्लान 100 डिग्री सेंटीग्रेड रु ऊपर को हेले ही बाष्पीभूत स्फुटनांक ठारु ऊपर को हेले जल रे से स्फुटनांक 100 डिग्री सेल्सियस तो ताठ ऊपर को हेले बाष्पीभूत हवा कथा, किंतु बाष्पीभूत जदि से स्फुटनांक ठारु कम तापमात्रा रे हबो ताहाले ताको बाष्पीभवन बोली कहिबा। ठीक अछि, आशा करछु तमानु बुझुथिबो। तो देख नेक्स्ट स्लाइड देखिबा एग्जांपल सहित। देख प्लान एटी हमरो जदि हम तो गरम करछे बाष्पीकरण लिखा बॉइलिंग कह। ठीक अच्छे, गरम कले कौन हम ये देखना कणिका जा सब गरम कले कौन होने सब गतिज शक्ति पाँच गतिज शक्ति पाइला जी जार मन इच्छा एपट से गोटे गति राइट ना नहीं, बाहर की सब जा मन इच्छा गति कर पानी फुटले तुम देखु उबाल आसले कि आस। ठीक अच्छे, किंतु जदि इवापोरेसन होने मन इच्छा गति करेनि धीरे धीरे ऊपरको गति करेंगे है, तो बाष्पीभवन होगा कौन से गतिज शक्ति एक्सट्रा बढ़ी जीवन ये कौन करते बॉइलिंग आमको बाष्पीकरण ये कौन करते आम ताप दौले गरम करते राइट ना नहीं, निया जल गरम करते ताप दौले कि कौन पे इवापोरेसन बाष्पीभवन ये ताप देवा दरकार नहीं, बिना तापर ही से ऑटोमेटिकली जदि ये कौन बिना तापर ना ताप भी देने भी हम कि आमर जो जी ताप दरकार के दरकार पे स्फुटनांक जाए ताप दरकार, तो ये स्फुटनांक जाए गलापर स्फुटनांक जाए गलापर ये कौन होता बा तार जल रु गैस अवस्था को आसूला राइट ना नहीं, किंतु ये कौन स्फुटनांक जाए न जाकि भी जल रु गैस अवस्था को जापर तापी चार्टा कारक अच्छे है, तो बाष्पीभवन को प्रभावित करक गुड़िक किए देखा। फर्स्ट हूँ पृष्ठतल क्षेत्रफल वृद्धि, पृष्ठतल मान कौन पे यहाँ हूँ पृष्ठतल ऊपर सरफेसटा। ठीक अच्छे, ये ऊपर सरफेसटा है यहाँ क्षेत्रफल वृद्धि ता विषय फास्ट देखिए तापमात्रा तापमात्रा वृद्धि पे यहाँ हूँ ग्लास ऊपर पटटा ये जी ये तार पृष्ठतल कह बुझ ग्लास ऊपर पट पृष्ठतल जिते ओसार तार अधिका हो तार से अधिका क्षेत्रफल हो तो विषय ये पढ़ा है। तापमात्रा वृद्धि विषय में आम आगु ये बॉइलिंग रे भी पढ़चे, कि बॉइलिंग रे कौन पढ़ते आम पे बाष्पीकरण कौन पढ़ते सही पढ़ते सी स्फुटनांक जाए जी पड़ो, कि तापमात्रा वृद्धि हेले भी सी स्फुटनांक जाए न जाकि जदि से तरल रु गैसीयपम्रा वृद्धि द्वारा बाष्पीभवन कह। ठीक अच्छे, आर्द्रता ह्रास पे आर्द्रता विषय पढ़ा भलसे डेफिनेट पूरा भलसे पढ़ा ब्रीफली आ पवन बेगर वृद्धि ता विषय भी भलसे पढ़िया। तो चलो नेक्स्ट स्लाइड को जीवा। फर्स्ट आम ये हूँ पृष्ठतल क्षेत्रफल, देख पे ये गोटे छोट गिना अच्छी गिनार देख सरफेसटा छोट
सरफेस माने जोड़ा मुहटा तार मुहटा छोट तो पानी कौन अल्प एरिया ये जो एरिया माने होची क्षेत्रफल तार अल्प एरिया रे ही बाहर को देखा होची राइट ना नहीं बाहर से देखते अल्प एरिया रे अछि किंतु ये देखो प्लान अधिक एरिया अछि आठ ये अधिक अछि नहीं ये अधिक एरिया अछि बा तमे इन देख परियो ये गोल्ड आर जो मुहटा थाउची से गोल्ड केते बड़ अछि जार से मुहटा जते बड़ा हेथियो तार सरफेस एरिया सते अधिक बा पृष्ठ तल रो क्षेत्रफल सते अधिक कौन ये पृष्ठ तल रो क्षेत्रफल जदि आर एट देखिया माने ए जो ए गिनाडा रे ए जो ए गिनाडा नै कि ए गिनाडा रे जति कि बाष्पीभवन हबो ताठो अधिक बाष्पीभवन एटी हबो कौन जदि क्षेत्रफल बढ़ला साइज बढ़ी गला तो गिनारे आम कौन करिया ए जो गोटे गिनारे कौन करिया पानी रखिया ठीक अछि ए छोटो गिनाडा पानी रखले आ गोटे बड़ गिनाडे एटी गोटे बड़ गिनाडे रे पानी रखिया तो ए दिरा भितरु कौन बा देखियो पानी जदि आम रखि कि छात पर रखिया केते नै कौन बा धीरे धीरे से जो पानी गुडाक गायब होबार लगे किसी दिन पर ना से पानी सेमती आसब ए गिनाडा नहीं आम छात पर रखिया पिला घर किसी दिन पर सेमती आसब ना कौटे गायब ही कौटे गायब ही कौर जाऊँ आम भी जानने कि गायब ही कौर जाऊँ से जो गला कड़े तो से विषय तो जानवर अच्छे एक्चुअल से जाऊँ कड़े ना ये जो बाष्पीभवन जो गुरु आर जो पृष्ठ जो आम जो छात पर नहीं रखु जाकु है तो बाष्पीभवन जो गुरु से कौन हो तरल रू ये जो गिनाडा अच्छे तरल रू से कौन कन्वर्ट हो गैसीय कन्वर्ट हो पड़े ठीक अच्छे तो बाष्पीभवन केमती हूँ तब विषय देखिया देख ये पृष्ठ तल जो ये अच्छी या उपर कणिका जाए एमती अच्छे कह ये टाइप देख पे ये तुमको कर देखा ठीक रुह मुझे इरेज कर देखाए ये देखा ठीक अच्छे एटा जो पूरा ग्लास रे पानी अच्छी हला पानी अच्छी इंदे ठीक अच्छे ये जो ऊपर कणिका जा थे प्लान एम थी ना गोटे साइड आउट कणिका थी राइट तो ते जो कणिका जा अच्छी प्लान है एमाने कौन हे ये बाहर पटे देख किसी भी कणिका थी कौन थी जहाँ भी ये जो ये कणिका को हला ध्यान दे देख मु तुमको गोटे चित्र कर देखा ध्यान दे देख ऊपर कणिका सेट टाइम रहा ये या किए लगी पे ये तल सेट लगे ये हूँ एक नंबर सेट जमी यहाँ एक नंबर सेट आ तले भी एमती कणिका जहाँ थे डुप्लिकेट से दुई नंबर सेट तो ये दुई नंबर सेट हूँ ये आ तले थी सेट टी तीन नंबर सेट तो पे एक नंबर सेट को लगिक किए अच्छे दुई नंबर सेट अच्छी दुई नंबर सेट को लगिक किए अच्छे एक अच्छी इड़े तीन भी अच्छे तो एक नंबर सेट को जदि देख तुम जदि मैंने ऊपर जो एट जो जी थी कतटा कणिका लगे पे एक लगे ये लगे कितु आम जब या देखिया बोले आ तलू को आउट लगे ये लगे आ ये जो ऊपर ये भी लगे तलटा भी लगे तो ये मझीटा को देखिया मैंने या दु जन लगे कितु आम जब ऊपर देखिया मैंने आगे लगे जड़े आगे लगे ये जो तलटा ये दुई नंबरटा ये लगे रईट ना नहीं ये दुई नंबरटा ही लगे तो ये जो ऊपर कौन ताको किए अल्प जन तुमको दी जन हाथ दी सैड टाणी धरते तुम मैंने खसिक सुविधा हम ना जड़े गोटे सैड रही टाणी धरते तुम खसिक सुविधा हम अबियसली आंसर हूँ कौन जड़े जदि गोटे सैड रही टाणी धरचे तो खसिक सुविधा हम तो ये कौन हो पाला देख ये ऊपर सरफेस जी था तल पटू गोटे ही कणिका टाणी धरता से कौन ऊपर आराम से खसिक खोलू कौन आकर्षण बल कम था कि मझे जी था ऊपरटा ये खसिक पड़ू आराम से कि मझे जी था खसिक जा पाने कौन पाई ना ये तल पटे गोटे लगे ऊपर पटे गोटे लगे ये जो खसिक पल जो ये खसिक पल दैट मीन कि सिचुएशन ये टाइप रहा ये खसिक पलैले सिचुएशन कौन हम ये टाइप रहा ये कौन हम ये ऊपर रखियो आ तले जड़े आगे लगे तो ये भी आराम से खसिक जापर तो जन पर जड़े खसिक खसिक गले सब जगह कणिका खसी जाती पात्र खाली हो जाए तो ऊपर सरफेस रे कौन पे आकर्षण बल कम थाए तेणु जल्दी से सुखी जाए ठीक है ऊपर अणुगुड़ी आराम से खसिक पलांती कौटू ना जलर सरफेस न लगे ताकि खसिक पलैबे है कौन पर आकर्षण बल कम अच्छी कि मझे अणु जाए आकर्षण बल अधिक अच्छे बोलिकेटे जापर ठीक अच्छे तो आशा करें बुझु से पृष्ठतल क्षेत्रफल जिते अधिक हम पे देख एडिका होती तो ये कतटा कणिका रे एक रहा दुई रहा तीन रहा चार पांच छः सात आठटा रहा कि बड़ कर दिया
ବୋଲେ ଆଠଟା ଥିଲା ଆଉ ଏଠି ଦଶଟା ପକେଇ ଦିଅ, ସରି ଆଉ ଆଉ ଛଅଟା ପକେଇ ଦିଅ, କେତେଟା ହେଲା ପିଲାମାନେ? ଚଉଦଟା ହେଲା। ଆଉ ଟିକେ ବଡ କରିବି ମାନେ ଏଠି କ'ଣ କେତେ ରହିବ ନାହିଁ? ଚଉଦଟା ହେଲା। ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ବଡ କରିଦେବି ପାତ୍ରଟା ବୋଲେ ଅଠରଟା ହେଇଗଲା। ତ ଏଇଟା ବି ଯେତେ ବଡ ପାତ୍ର ହେଇଥିବ, ଯେତେ ତାର ମୁହଁଟା ଖୋଲା ହେଇଥିବ, ସେତେ ଉପର କଣିକି ଯାଗା କ'ଣ ହେବେ, ଆରାମସେ ଖସିକି ଯାଇପାରିବେ। ଠିକ ଅଛି, ଆଶା କରୁଛୁ ତମେ ବୁଝିଥିବ। ଦେଖିବା ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଲୁଗାକୁ ଶୁଖାଇଲା ବେଳେ ଏହାକୁ ଖୋଲା କରି ଶୁଖାଇଲେ ତାହା ଶୀଘ୍ର ଶୁଖିଯାଏ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଲୁଗା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାହାରେ ଶୁଖେଇବା, ଶୁଖିଲା ତ ଯେତେବେଳେ ଖୋଲା କରି ଶୁଖିବା ମାନେ ତାର ପୁରା କ'ଣ ହେଉଛି, ପୁରା ଖୋଲିଦେଲେ ତାର ସର୍ଫେସ୍ ଏରିଆଟା ବଢି ହେଉଛି ବା ବାହାର ପଟକୁ ଏକ୍ସପୋଜ୍ ହେଉଛି ବେଶୀ। ତାକୁ ଯଦି ବନ୍ଦ କରି ମୋଡ଼ିକି ରଖିବା ମାନେ ବେଶୀ ବାହାରକୁ ସେ ରହୁନି, ହେଲା? ତ ବାହାର ପଟକୁ ନ ରହିଲେ ସେଇଠି ବାହାରିକି ଯାଇପାରୁନି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତମେ ଲୁଗାଟା ଖୋଲିଦେବ ପୁରା ମାନେ ବାୟୁର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ପୁରା ଲୁଗାର ଯେତିକି ସବୁ ଜଳକଣ ଆସନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ବାହାର ପଟକୁ ଯେଉଁ ବାୟୁକୁ ପଳାଉଛନ୍ତି, ହେଲା? କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ତମେ ଯଦି ବନ୍ଦ କରି ରଖିବ ମାନେ ଭିତର ପଟର ଲୁଗାଟା ଶୁଖି ନଥାଉଛି, ବାହାର ପଟଟା ଶୁଖି ଯାଉଛି। କ'ଣ ବାହାର ପଟଟା ଯିଏ ବାୟୁକୁ ଲାଗିକି ଥିଲା ସେ ଶୁଖିକି ପଳେଇଲା ଆରାମସେ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଭିତର ପଟେ ଥିଲା ସେ ଭିତର ପଟରୁ ବାୟୁକୁ ଲାଗିପାରିଲାନି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ଆରାମସେ ଶୁଖିଲାନି। ଆଶା କରୁଛି ତମେମାନେ ବୁଝୁଥିବେ। ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡ୍ କୁ ଯିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି, ଦେଖ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଶରୀରର ଚର୍ମ, ହେଲା? ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଚର୍ମ, ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଚର୍ମ, ଦେହରେ ରୋମ ଗୋଟା ଅଛି, ଇଏ ହେଉଛି ଚୁଟିଟା ଗୋଟେ, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ କଣା ଯାହା ସବୁ ଆମର ପିଲାମାନେ ବୁଝିଲେ, ତାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱେତ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ବା ଶ୍ୱେତ ଗ୍ରନ୍ଥି ବୋଲି କହୁଛି। ଠିକ ଅଛି, ଶ୍ୱେତ ଗ୍ରନ୍ଥି କ'ଣ ନା, ଆମର ଯେଉଁ ବଡିରୁ ଯେଉଁ ଆମର ଝାଳ ବାହାରୁଛି, ସେ ଝାଳ ପାଇଁ କ'ଣ ହୋଲ ତ ଥିବ, ସେଇ ହୋଲ ଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଏଗୁଡ଼ାକ। ଠିକ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମ ଶରୀରଟା ପୁରା ଏଇଟା ତାପରେ ଗରମ ହେଇଯାଏ, ତାପରେ ଇଏ ଗରମ ହେଇଯାଏ ଆମ ଶରୀରକୁ ଥଣ୍ଡା କରିବା ପାଇଁ, ପିଲାମାନେ ଆମ ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା ସବୁବେଳେ ଏତିକି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖ ଯେତିକି କହୁଛି 37°C, ଯଦି 8-3 ଡିଗ୍ରୀ କମ୍ ହେଇଯାଏ, 3 ଡିଗ୍ରୀ ମାନେ 34°C ହେଇଯାଏ, ମାନେ ଗୋଟେ ରୋଗ ହେଉଛି, ଓଡ଼ିଆରେ କୁହା ତାକୁ ଶନିପାତ ବୋଲିକି, ଇଂଲିଶରେ ତାକୁ କୁହା ହେଉଛି ହାଇପୋଥର୍ମିଆ, ହାଇପୋଥର୍ମିଆ। ଠିକ ଅଛି, ହାଇପୋଥର୍ମିଆ ରୋଗରେ ଲୋକମାନେ ପୀଡ଼ିତ ହୁଅନ୍ତି ଯଦି ଶରୀର ତାପମାତ୍ରା 3 ଡିଗ୍ରୀ କମିଯାଏ। ଶରୀର ତାପମାତ୍ରା ଯଦି 3 ଡିଗ୍ରୀ ବଢ଼ିଯିବ ମାନେ 40°C ହେଇଯିବ, ମାନେ ବି ଆମକୁ କ'ଣ ହେଉଛି, ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ କୁହାଉଛି ଅଂଶୁଘାତ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଯଦି 3 ଡିଗ୍ରୀ ବଢ଼ିଯିବ ମାନେ ତାକୁ କୁହାହେବ ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍ ବା ଅଂଶୁଘାତ, 3 ଡିଗ୍ରୀ କମିଯିବ ବୋଲି ତାକୁ କୁହାହେବ ହାଇପୋଥର୍ମିଆ ବା ତାକୁ କୁହାହେବ ଶନିପାତ ବୋଲିକି। ଠିକ ଅଛି, ହାଇପୋଥର୍ମିଆ ହେଲେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା କମିଯିବ, କମିଗଲେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଲୋକଟା ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡ଼ିବ। ଠିକ ଅଛି, ଏଇଟା ବହୁତ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍, ଯଦି ଶରୀର ତାପମାତ୍ରା କମିଗଲା ମାନେ ବହୁତ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍, ସେଠି ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡ଼ିବ। ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ତାପମାତ୍ରା ଯଦି ବଢ଼ିଯାଉଛି 40°C ହେଇଯାଉଛି, 3 ଡିଗ୍ରୀ ବଢ଼ିକି, ତାହେଲେ ସିଏ ସେଇଠି ବି ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡ଼ିବ, ସେଥିପାଇଁ ଅଂଶୁଘାତରେ ବି କିଛି ଲୋକ ମରିଯାଆନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍। ଠିକ ଅଛି, ଆଶା କରୁଛୁ ତମେମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଏ ଯେଉଁ ତାପମାତ୍ରାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ବା 37° ପାଖାପାଖି ରଖିବା ପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ଝାଳ ଆମର ପୁରା ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଠିକ ଅଛି, ଏ ଝାଳଟା ତମେ ଭାବୁଥିବେ ଏ ଝାଳଟା ଗୋଟେ ଆମ ଶରୀରରେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ତିଆରି କରୁଛି, ହେଲା? କିନ୍ତୁ ଝାଳ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଶରୀରଟାକୁ ଆମକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। କ'ଣ କରୁଛି ପିଲାମାନେ, ଆମ ଶରୀର ତ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗୁଛି, ପିଲାମାନେ ପାଣି କ'ଣ କରିବ, ପାଣିର କାମ ହେଉଛି ତାପମାତ୍ରା କମେଇବାଟା। ତ ଦେହ ଶରୀରରୁ କ'ଣ ବାହାରିବ, ଝାଳ ବାହାରିବ, ଇଏ ପାଣିଟା ବାହାରିଲା, ପାଣିରେ ଜଳ କଣା ଯାହା ଅଛନ୍ତି, ଜଳ କଣା ଯାଏ, ଏ ଯେଉଁ ଆମ ଶରୀରର ଯେଉଁ ଏଇଠି ତାପ ଯାହା ଅଛି, ଦେହ ଗରମ ହେଇଛି ନା, ଗରମ ହେଇଛି ଚର୍ମଟା ତାତି ହେଇଥିବ ନା, ଖରାକୁ ବାହାରିଲେ ଚର୍ମ ତାତି ହେଉଛି ନା ନାହିଁ, ତ ତାପ ଯାହା ଅଛି ଏ ତାପ ଗୁଡ଼ାକୁ ଏ ଜଳ କଣା ଯାହା ଗ୍ରହଣ କରିବେ, କିଏ ଏମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତାପ ଗ୍ରହଣ କଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ତିଆରି ହେବ ପିଲାମାନେ, ଜଳ କଣିକା ଯାହା ତାପ ଗ୍ରହଣ କଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ତିଆରି ହେବ, ଗତିଜ ଶକ୍ତି ତିଆରି ହେବ। ତ ତାପଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଦେବେ, ତାପଟାକୁ ନେଇଗଲେ, ନେଇକି ଗତିଜ ଶକ୍ତି କନଭର୍ଟ କରିକି ଏଠି ବାହାରିକି ପଳେଇଲେ, ଦାଟ ମିନ୍ସ କ'ଣ ହେଲା, ଜଳ କଣା ତ ଉଡ଼ିଗଲା ଗଲା, ତା ସହିତ ଏ କ'ଣ କଲା, ଶରୀର ତାପ ଟିକେ ବି ଧରିକି ପଳେଇଲା, ଆମର ଏଇଟାକୁ କ'ଣ କଲା, ଥଣ୍ଡା କଲାନି ନା, ଇଏ ଆମ ଶରୀରକୁ ଥଣ୍ଡା କଲାନି ନାହିଁ, ଏମିତି ସବୁ ସବୁ ଯାହା ଜଳ କଣା ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି। ତ ଯେତେ ଆମର ଝାଳ ବାହାରିବ ସିଏ ଆମ ଶରୀରକୁ ସେତେ ଥଣ୍ଡା କରୁଛୁ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଆଶା କରୁଛି ତମେମାନେ ବୁଝୁଥିବ ବୋଲିକି, ଯଦି ବୁଝିପାରୁନ ତାହେଲେ ମୋତେ ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଚାରିପାରିବ, ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ଆଧାରେ ମୁଁ ତମର ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବି। ଠିକ ଅଛି, ସେଠି ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆର ଡେଫିନେସନ୍ ଦେଖିଦେବା, ତରଳ ପଦାର୍ଥ, ସରି, ତରଳର ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି, ତରଳ ପିଲାମାନେ ଦେଖିଲେ ଏଠି ତରଳଟା ଅଛି ଆଉ ତାପମାତ୍ରା କମ୍ ବୃଦ୍ଧି ହେଲା, ଆମ ଶରୀରରେ ଖରା ଯୋଗୁଁ ତାପମାତ୍ରା ହେଇଥିଲା କି ଆମ ଶରୀର ଗରମ ହେଇଥିଲା ବେଶୀ ଜୋରରେ, ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଅଣୁମାନେ ତାପ ଶକ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରି ଅଧିକ ଗତୀୟ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ତାପ ଶକ୍ତିକୁ ସେମାନେ ଗତ ଶକ୍ତିରେ କନଭର୍ଟ କରିବେ, ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ କହିଥିଲି, ଓ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଦେଖିଲ ଏଠି ଜଳ କଣା ଯାହା ପୁରା ଜଳୀୟ କଣାରୁ ସେ କେଉଁଥିରେ କନଭର୍ଟ ହେଲା,
तरल रु गैस अवस्था गलान ना तो एमती हो ठीक अच्छे आशा कर बुझु कि पे आम शरीर तापमात्रा कौन 100 डिग्री सेल्सियस था कि आम शरीर 100 डिग्री सेल्सियस न था आम शरीर जो 100 डिग्री सेल्सियस ना तो जल कणा जाए 100 डिग्री सेल्सियस थी कि जल कणा भी 100 डिग्री सेल्सियस ना जल कणा 100 डिग्री सेल्सियस न था कि भी से बाष्पीभूत होती तो स्फुटना न जाकि बाष्पीभूत होगा कौन बाष्पी भवन आशा कर पूरा बुझु न बुझु मत नेक्स्ट क्लास सॉरी स्लाइड क्लास पचार नेक्स्ट देखिए पे सेमती आयरन बॉक्स रे भी से टाइप रहा आयरन बॉक्स रे देखिए कैसे जगह स्टीम आयरन अच्छी स्टीम आयरन मैंने ना तुम देखो कैसे लोग आयरन कला पा पके आयरन करती पा पके आयरन कले लुगार पा पकला आयरन कले कौन हो जो पा जहाँ पड़ता हूँ आयरन बोलने से पा गुड़ाक धीरे धीरे बाष्पीभूत होकर बाहर को जाए तो सही भी आयरन रापम्रा 100 डिग्री सेल्सियस न थाए अधिकांश जगह कि बेले बेले थाए कि सब अधिकांश जगह न थाए तो न थाए कि से कौन हो जलय बाष्प को बाष्पीभवन करपम्रा वृद्धि आयरन भी जो आयरन कर सार्ट लुग आयरन कर तार गोटे उदाहरण हो पार ठीक अच्छे कि मुख्य उदाहरण हूँ झाल जो आम जा ठीक अच्छे चलो नेक्स्ट स्लाइड को जीवा देख पे तापमात्रा वृद्धि आउ गए कमी हो सूजिया लोक पड़े तुम घर बाहर तुम ये एक्सपेरिमेंट कर आम सूजिया लोक पड़ी आम घर तापमात्रा के 100 डिग्री सेल्सियस हो कि सूजिया लोक पड़िया जो भी जो आम पोखरी तापमात्रा पोखरी जल रापम्रा 100 डिग्री सेल्सियस हो नदी जल रापम्रा हूँ ना तुम टांकी पा 100 डिग्री सेल्सियस हो तुम घर टांकी पा भी 100 डिग्री सेल्सियस हो तो कमी से कमी तुम जब गोटे गिनाटे नहीं घर सरी गिनारे पा टे नहीं घर छात उपर रख है दुई दिन अब्जर्व कर तीन दिन अब्जर्व कर बर्षा न होता टाइम ठीक अच्छे बर्षा होता मैंने पा भर्ती हो ऑटोमेटिक से बर्षा न होता टाइम नहीं रख देख कि दिन पर से पा सब गायब हो कहार जाऊँ पे पा गुड़ाक सब गुड़ाक ये जो सूर्यर तापमात्रा टिके टिके ग्रहण करके ऊपर सरफेस रो ये गुड़ाक टिके टिके सब चार्ज होकरको उठिक पलाती है ना आशा कर बुझी पार्थ सूर्यर ताप ग्रहण करके गति शक्ति कन्वर्ट करती तापम्रा को गैसीय तरल रु गैसीय को कन्वर्ट हूँ कितु से पे 100 डिग्री सेल्सियस को जानते नहीं कौन पे आम जानचे भलसे 100 डिग्री सेल्सियस को गले ऑटोमेटिकली के जोर गरम रो तुम देखिपर तुम थर्मोमीटर नहीं चेक कर पार पूरा उदू दिया खराब नहीं चेक कर पार के तार 100 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम 35 डिग्री सेल्सियस कि 40 डिग्री सेल्सियस हम मैक्सिमम अधिक हमारे चान्स नहीं ठीक अच्छे चलो नेक्स्ट स्लाइड को जीवा पे देख आर्द्रतार ह्रास आर्द्रता कौन फास्ट आम जानवर अच्छे आर्द्रता ये वर्ड टाक इंपोर्टेंट आद्रता कौन पे तुम देख आद्रता जो आमर जो आम जो समुद्र कूलिया अंचल रोचे ये आद्रता अधिका थाए कौन आद्रता पे आद्रता मान हूँ जलीय कणा के आम साइड रे चारिपाखे जलीय कणा के आद्रता बोल ठीक अच्छे तो ये जो जोड़ी जो जलीय कणा जो गोटे जगह देख ये जलीय कणा जाए ये अधिका अच्छे जदि ये जलीय कणा अधिका अच्छे मानने एम कौन करेंगे गोटे सर्टेन तापमात्रा पर सर्टेन तापमात्रा मान 50 डिग्री सेंटीग्रेड 50 डिग्री सेंटीग्रेड रे सी कह कि मुझे कि 200 कि 100 कि मन 200 कह कि 500 कह सी एति आका मुझे जलीय बाष्प रखी ताकि अधिका रखी 40 डिग्री है कम रखिपे कि अधिका रखिपे जहाँ भी ठीक अच्छे तो गोटे तापम्रा निर्दिष्ट तापम्रा देख निर्दिष्ट तापम्रा है सीमित परिमाण जलीय बाष्प धारण करपम्रा तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड 200 रु अधिक रही पार नहीं 40 डिग्री से 100 कि 100 रु अधिक रही पार तो ये टाइप रही जदि 50 डिग्री सेंटीग्रेड अच्छी जदि ये टाइप रिछ भी जलीय बाष्प ना मैंने 200 ना 200 कम अच्छे तो आउ टे कौन बाष्पी भवन हो कि जलीय बाष्प ये आसपर ना आसपर कौन पाए जगह अच्छी बोले जलीय बाष्प आसपर जदि ऑलरेडी भर्ती ही अच्छे आगुरी जलीय बाष्प ताले इडी आसपर कि आसपर कौन पाई सी कौन 50 डिग्री सेंटीग्रेड 200 रु अधिक रखियन तो 200 तो ऑलरेडी हो गला तो आउ बाष्पी भवन हम कि हमने तो बाष्पी भवन को ये गोटे कंट्रोल करे कंट्रोल कर आर्द्रता आर्द्रता मान बुझ जलीय बाष्प ही आर्द्रता के जलीय बाष्प अच्छी आर्द्रता कहुचे जदि आर्द्रता कमीगला आर्द्रता कमीगला मान जलीय बाष्पर परिमाण कमीगला बाष्पी भवन हो पार जदि आर्द्रता बढ़ीगला तेल बाष्पीभवन हो पार ना आशा कर तुमने बुझी न बुझ जदि मत लाइव क्लास पचार ठीक अच्छे देख डेफिनेशन आड़ पलैवा
वायुरे उपस्थित थिबा उपस्थित जति कछन्दि जलीय बाष्पर परिमाण को जे परिमाण जहाज जलीय बाष्प एड न कहिल 50 डिग्री पे 100 हला आद्रता कहा जाए ठीक अछि तो जलीय बाष्प जति के थिबो यदि अधिक अछि माने अधिक आद्रता कम अछि माने कम आद्रता चतुर्पार्श्वरे थिबा वायु जो आम चारिपटे जो वायु अछि निर्दिष्ट तापमात्रा रे सीमित परिमाण जलीय बाष्प धारण करि पाए जो आम साइड जो वायु अछि से 50 डिग्री 200 टा मनगर मुइन कोच ठीक अछि सेम ग्यारंटी नै 50 डिग्री 200 टा बोली के किंतु 50 डिग्री 200 टा मनगर 40 डिग्री पे 100 टा से नउथो ना 200 डिग्री पे सर 200 डिग्री कोच 30 डिग्री पे 80 टा नउथो ठीक अछि तो से लिमिटेड ताट अधिक न बन ठीक अछि मनगर 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे 5000 टन 5000 रु अधिक न बन तो 5000 जलीय कण हेला पर होबे हे प्रयोग यदि अधिक यदि कम यदि सेहि यदि 5000 नाही माने 50 डिग्री सेंटीग्रेड रे तो सेहि आउ टिके बाष्पीभवन हेइ परियो यदि अच्छी भर्ती हे जाई छी ऑलरेडी सीट सीट फिल अप हेइ छी तो हबनी से टाइप रो विषयटा ठीक अछि यदि वायु रे पूर्व रो अधिक जलीय बाष्प उपस्थित थिबो आगुरे एडी उपस्थित अछि तो सेति पई एडी आउ बाष्पीभवन हबनी अधिक उपस्थित थिबो तबे बाष्पीभवन रे वेग ह्रास पाइबा बा बाष्पीभवन हबनी आशा कर तुम बुझी देव एटा सेम जिन पे देख ये कौन ढाकुणी घोड़ाईगला घोड़ाईगले जहाँ भी जलीय बाष्प जहाँ बाहर को बाहर से कौन हम पे कड़े बाहर न जापरिक ढाकुणी भितर रही जो तो ढाकुणी भितर जलीय बाष्प बढ़ीगला अधिक आईगला ढाकुणी भितर जलीय बाष्प अधिक आईगले आउ कौन हम बाष्पीभवन हो पार तो से बाष्पीभवन न हो भर आगे पाटा रहा कि ढाकुणी खोली देव तो ये जलीय बाष्प जहाँ बाहर की इयार सीडे पलैबे तो ये कौन ये जगह खाली रही ना कौन अलरेडी जलीय बाष्प बाहर की बाहर पड़ा कि ढाकुणी भितर रही है जलीय बाष्प भर्ती होती भर्ती होगी कौन हम तुम देख लड़ीय बाष्प भर्ती है आद्रता वृद्धि पाला आद्रता वृद्धि पाइले जलीय बाष्प बाष्पीभवन हेनी कि बाहर की इयार सीडे पलाऊँच तो आद्रता कौन हम से वृद्धि पाला कि एरिया वृद्धि पाला वृद्धि पालानी कौन एम बाहर तो पलैले रही वृद्धि पाता तो पलैला जगह खाली है से बाष्पीभवन हो पारे ठीक अच्छे चलो नेक्स्ट स्लाइड को जी आउ गोटे देख पे मोस्ट इंपोर्टेंट पवन बेगर वृद्धि पूरा गरम पूरा झाल पूरा लटपट हो तुम मैंने है तो कौन हम तुम जी फैन तले बस फैन तले बस ना हेयर ड्रायर पूरा मुह सुखा कि जहाँ भी एक्सरसाइज है हेयर ड्रायर चुट्टी सुखाऊ चुट्टी सुखाऊ ना तो चुट्टी सुखा बेलू चुट्टी तुम धोई था धोला सुखाऊ हेयर ड्रायर में सुखला बेलू कौन हो चुट्टी जहाँ ओदा था एक तो हेयर ड्रायर रु गरम पवन बाहर पवन पवन तो बाहर पवन बहिले भी कौन हम तुम जब नर्माल पवन तले बसले भी कौन हम चुट्टी सुखी है कि गरम पवन बाहर ये दीटा जिनस कम कला गोटे हूँ पवन रेगर वृद्धि आउ गोटे हूँ आमर तापमात्रा वृद्धि देख एटा पढ़ते तापमात्रा वृद्धि हेल्ले हम तो हेयर ड्रायर से दीटा जिनस व्यवहार कर गोटे हूँ गरम पवन गरम आउ गोटे हूँ पवन तो गरम पवन आसले जल्दी जल्दी से कौन कर बाष्पीभवन प्रोसेसटा को बढ़ेब गरम बाष्पीभवन गरम हेल्ले कौन हम जर तरलटा बाष्पीभूत हम आराम से आउ कौन हम ना से जल्दी जल्दी बाष्पीभूत हम आठ कौन स्फुटनांक भी दरकार ना देख पे पवन जब बढ़ला तुम फैन तले बस पवन बहिया जो से हो तो बुझीपड़ आशा कर देख पे पवन बहुत दिन गुड़िकर ओदा लुगा से घर सुखी जाए कौन पर देख ये गोटे ये कणिका जहाँ अच्छा ठीक अच्छे एक दुई तीन टा कणिका अच्छे पवन ये स्पीड में बही जा पवन बही जा मानने पवन गोटे पवन रो कणिकाटा ये बाहर के तो कौन कर गति कर तो पाखे अलरेडी कौन अच्छी गतिज शक्ति अधिक अच्छे जी पवन में जी थी तुम जान बाष्पी अवस्था थी बाष्पी अवस्था तार सब अधिक गतिज शक्ति थी तो सी कौन कर गतिज शक्ति अधिक अच्छी बोल कि दौड़ गला बेलू या सहित कौन हम घसी ही क्या सहित ये जो अणु जहाँ सहित है जलर अणु सहित घसी घसी गले पे आम हाथ को हाथ घसिया कौन हम तापमात्रा वृद्धि हम तापमात्रा वृद्धि हो कौन हम यार भी एनर्जी बढ़ो तापमात्रा बढ़ले यार गतिशक्ति बढ़ो गतिशक्ति बढ़ले ये भी पल एक दुई नंबर हो घसी गला कौन हम आपको सी आकर्षण करें जड़े ये आउ जो सहित घसी जाऊँच आ गए कणिकाटा एपटे घसी जा घसी गला जन एक जन सहित आज जन घसी जा घसी गला कौन है ना से जड़े आज जन घसी गला बेले कौन कर आकर्षण करब मिसेक ना मिसेक ना कौन हम
ना ये तार आकर्षण बल जो सहित मिसिक पल तो ये सहित मिसिक पलैला क्या सहित पवन सहित मिसिक पलैला मानते पवन सहित मिसिक पल बाष्पीभूत होगा तो सीट भी किसी आम ये आसलानी कौन आसलानी आम स्फुटनांग किसी आसलानी अटोमेटिक बाष्पीभूत हो पार बा तरल रु गैसियों को कन्वर्ट हो पार आशा कर बुझ पार देख तार डेफिनेशन देख पवन बेगर बेग बढ़ले जलीय बाष्पर अणुगुड़िक पवन सह एकाठी हो उड़ी जाए एकाठी आकर्षित होगी उड़ी अदरवाइज तुम जो कहली घसी हाथ हाथ खसी हम मानते घर्षण जो कौन हम ताप सृष्टि होती हाथ खसले गरम हो ना गरम हेल्ले कौन हम अटोमेटिकल से जो कणिका जी अच्छा से कौन हे तापशक्ति पाए तापशक्ति पाइला से कौन हे तापशक्ति से गतिज शक्ति कन्वर्ट करिए गतिज शक्ति कन्वर्ट कला से मैंने गतिज शक्ति कौन करिए निजे उड़ी पलए बाष्पीभूत बाष्पीभवन सीपर तेणु परिपार्श्वर थिबा जलीय बाष्प परिमाण कमी जाए एथिपाय पवन सरी बाष्पीभवन बाष्पीभवन हार वृद्धि पाए पिलान देखो गोटे तो सीटा घसी गला आउ गोटे जिनस भी तुम डेफिनेशन देती देख जदि पवन जोर हो मानने जलीय बाष्प ये जहाँ भी थिला देख ये पवन है जोर ये जोर पवन हम टी रही ये इरेज कर दी सब फास्ट जदि जोर पवन बहला ठीक अच्छे माने ये जी सब जलीय बाष्प थी सब जगह ठेलिक नहीं गले खाली हो खाली गले भी ये कौन हम आराम से बाष्पीभवन हो पार ठीक अच्छे तो यहाँ भी गोटे फैक्टर आशा कर बुझी थोड़ी बुझ मत नेक्स्ट क्लास सरी डाउट क्लास पचार सेम जिन पे तुम आउ गए एक्जामपल दिखाई पवन बहले आराम से पवन बहुन हो पार खरा दिन आम कहीं सूता लुगा पिंधु पे देख मु तुमको कहीदे जो आम सूता लुगाटा था सूता लुगा कौन कर जो या झाड़ जो आम शरीर में झाड़ बाहर झाड़ बाहर जी या गोटे प्लास्टिक घोड़े प्लास्टिक घोड़े दे जलटा जल कणाटा कौन एपटे जापर पे जी गोटे प्लास्टिक घोड़े मैंने जल कणाटा जापर कि आम सार्ट प्लास्टिक सार्ट पिंधिया रेनकोट पिंधिया रेनकोट पिंधे रेनकोट रु कौन जल कणाटा बाहर जापर जापर केमती हम से जल कणा न बाहरी गले जल कणा जाए सब रही जल कणा जब ये भर्ती बोले कौन हम ये ह्यूमिडिटी जो आर्द्रता बढ़ी जो तुम आर्द्रता बढ़ीगला मानने युवा सब कौन बाष्पीभवन हेनी आर्द्रता ह्रास पाइले बाष्पीभवन हम ना आर्द्रता बढ़ीगले हम कि पढ़ले से विषय में तो से बोल कि आम सूता लुगा पिंधिया जब मैंने कौन हम देख बोझी टी रु इरेज कर दिए प्रथम सूता लुगा जो आम पिंधिया से कौन युवा सब जल कणा जो सी एब्जर्व करदेव सूता लुगा आराम से जल कणा को शोषी नहीं पारे शोषी नाला सूता जो शोषी नब जल कणा जाऊ तापर बाहर पट को सी छाड़दब जल कणाटा कौन भी शोषी दूसरी आराम से मैंने बाहर भी छाड़ पार कि सूता लुगा व्यवहार करानी जदि आम प्लास्टिक आम रेनकोट व्यवहार कराया रेनकोट क्या मैला हो रेनकोट पिंधी बोली कह तो कौन हम ना मोर जो झाड़ जहाँ भी सब ट्राप हो रो तुम देखु ना रेनकोट पिंधा पिंधे तुम बहुत जोर गरम हो रेनकोट बाहर करते पूरा देह सारा झाड़ हो कारण हूँ यहाँ कौन पाई जलय अंश जहाँ सब सही बाहर के बाहर को जापारे तो आशा कर तुमने बुझु थोला देख ये लिखाई सूता पोषाक जलर भल अवशोषक से आम सूता पोषाक व्यवहार करे कौन से बाहर को आराम से बाष्पीभूत होकर ठीक अच्छे तुम पढ़ ये लिखाई प्लाज्मा पे प्लाज्मा विषय में तुम आगे टे जदि गोटे जिनस को अधिका गरम कराया प्लाज्मा परिणत हो सकती पढ़ा देख खाली पदार्थर यही अवस्था अति शक्तिशाली और अति उत्तेजित कणिका मान द्वारा गठित होता है पे उत्तेजित कणिका मान जहाँ पाखे अधिका शक्ति थी सी हूँ उत्तेजित कणिका ठीक अच्छे तुमको जब मुझे अधिका पावर दे दी मैं तुम कौन हम ना स्कूल जब तुम स्कूल मॉनिटर कराइला क्लास तुम टे अधिक उत्तेजित हो ए बसे जमीक स्कूल टीफिन मॉनिटर कराई थाला तो टीफिन खाला बेले से जो टीफिन जी मानने खाला बेले जी जगुच मॉनिटर था भोजन प्रमुख से कौन पूरा राउंड मारपट सेपटे जमीक पूरा मानने गोटे ब्रिटिश हुकुम चला बेले राउंड मारपट सेपटे एपट से राउंड मारिक ठीक से जगह ठीक जगह बस भोजन मंत्र कर है बसला बेले ठीक से बस खाया तुम बाहर कर एक्स वाई जेड जहाँ भी है तो से टाइप रुम जब पावर गोटे दिहला तो जब तुम शक्ति बढ़ीगला तुम अधिका उत्तेजित हो ठीक अच्छे तो उत्तेजित कणिका द्वारा गठित होता है कौन प्लाज्मा यही कणिका गुड़िकर गुड़िक आयनर हो आयन होता गैस आयन अवस्था था कौन अर्थ ना आयनाइज गैस मान हो जी सब गैस था
ଗ୍ୟାସ ଗୁଡା ତମ ଆୟନ ବିଷୟରେ ଯଦି ମୁଁ ପଢ଼େଇନି ତମେ 10th କ୍ଲାସ ପଢିବ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ମାନେ ଆମେ ଥାର୍ଡ ଚାପ୍ଟର ପଢିବା ଆୟନ ବିଷୟରେ, ଆୟନ ହେଲେ କଣ ହଉଛି କଣ ନାହିଁ, ଠିକ ଅଛି। ତ ଆୟନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତି ବୋଲି ଖାଲି ଏତିକି ମନେ ରଖିଥିବ, ଆୟନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତି ବୋଲି। ନିୟମ ନିଦର୍ଶନ ବଲ୍ବରେ, ସରି ନିୟମ ନିଦର୍ଶନ ବଲ୍ବରେ ନିୟମ ଗ୍ୟାସ ଥାଏ, ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ପିଲାମାନେ ଯେତିକି ସବୁ ତମେ ଦେଖିବ କେତେଟା ବାହାଘର ଭୋଜିରେ ସବୁ ଦେଖିବ ଗ୍ଲୋ କରେ ଲାଇଟ ଗୁଡାକ, ବେଶୀ ଗ୍ଲୋ କରେ, ବେଶୀ ଗ୍ଲୋ କରୁଛି କଣ ପାଇଁ, ତା ଭିତରେ ନିୟନ ଗ୍ୟାସ ଥାଉଛି। ଆଉ ନିୟନ ଗ୍ୟାସ ଗୁଡାକ କଣ କରନ୍ତି ନା ଅଧିକା ଗ୍ଲୋ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଆୟୋନାଇଜ ୱେରେ ଥାନ୍ତି, ଟିକେ ଗରମ ପାଇବେ ମାନେ ସେମାନେ ଟିକେ ଆୟୋନାଇଜ ହେଇଯିବେ, ଆୟୋନାଇଜ ହେଲେ ସେମାନେ କଣ ହେବେ ଅଧିକା ଗ୍ଲୋ କରିବେ। ଯୋଉଟା ପ୍ଲାଜମା ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ଆସିଲେ ପିଲାମାନେ ସେମାନେ ସବୁ ବେଶୀ ଗ୍ଲୋ କରନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି। ଯେମିତିକି ସୂର୍ଯ୍ୟର ବାହାର ପଟରେ ଯେତିକି ସବୁ କଣିକା ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପ୍ଲାଜମା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବେଶୀ ଗ୍ଲୋ କରନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ପ୍ରତିଦୀପ୍ତ ବା ଫ୍ଲୋରୋସେଣ୍ଟ ନୀଳ ଭିତରେ ହିଲିୟମ ଓ ଅନ୍ୟ କିଛି ଗ୍ୟାସ ହୋଇଥାଏ, ତ ଏ ଟାଇପ୍ର ଫ୍ଲୋରୋସେଣ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ ଏତେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଜିନିଷ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି। ତ ତମେମାନେ ଏଇଟା ପଢ଼, ଯଦି ବୁଝିପାରୁନ ତାହେଲେ ମୋତେ ଡାଉଟ କ୍ଲାସରେ ପଚାରିବ, ହେଲା। ପ୍ଲାଜମା କଣିକାଟା ଆମେ ଖାଲି ଜାଣିବା ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା, ପ୍ଲାଜମା ଅବସ୍ଥା ଗୋଟେ ଥାଉଛି ପଦାର୍ଥର, ଠିକ ଅଛି। ମୁଁ ତମ ପାଞ୍ଚଟା ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ କହିଥିଲି, ତ ପ୍ଲାଜମା ଅବସ୍ଥା ତାହିଁରେ ଗୋଟେ ହେଲା, ଆଉ କୋଉଠି କୋଉଠି ଥାଉଛି ତାର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ଏଇଟା ହିଁ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଠିକ ଅଛି। ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡରେ ଦେଖିବା, ବୋସ୍ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ ସଂଘନିତ ବା କଣ୍ଡକ୍ସନ, ଇଂଲିଶରେ ତ କହୁଛି କଣ୍ଡକ୍ସନ, କଣ୍ଡେନ୍ସେସନ ବୋଲି କହୁଛି, ଠିକ ଅଛି। ତ ବୋସ୍ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ କଣ୍ଡେନ୍ସେସନ ଯୋଉଟା ପିଲାମାନେ କିଏ କିଏ ଏଇଟା ବାହାର କରିଥିଲେ, ଆମର ଭାରତର ବୈଜ୍ଞାନିକ ବୋସ୍ ଆଉ ଆମର ପୃଥିବୀର ମହାନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯିଏକି ଆଇନଷ୍ଟାଇନ, ଠିକ ଅଛି। କେବେ 1920 ମସିହାରେ ଭାରତୀୟ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନୀ ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ବୋଷ ପଦାର୍ଥର ପଞ୍ଚମ ଅବସ୍ଥା, ଚତୁର୍ଥ ଅବସ୍ଥା ପ୍ଲାଜମା ପଡ଼ିଲା, ପଞ୍ଚମ ଅବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ କେତେକ ଗଣନା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସେହି ଗଣନାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଆଲବର୍ଟ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ, ପିଲାମାନେ ଆଲବର୍ଟ ଆଇନଷ୍ଟାଇନଙ୍କ ନାଁ ତ ଶୁଣିଛ ତମେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମହାନ ବୈଜ୍ଞାନିକ, ପଦାର୍ଥର ଏକ ନୂତନ ଅବସ୍ଥା ବୋସ୍ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ ସଂଘନିତ ବା BCE ବୋଲି ତାକୁ ସର୍ଟକଟରେ କହୁଛି, ବୋସ୍ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ ସଂଘନିତ ଅବସ୍ଥାର ଭବିଷ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ପଦାର୍ଥର ପଞ୍ଚମ ଅବସ୍ଥା କୁହାଥିଲା, ହେଲା। ତ ଏରିକ୍ ଓ କର୍ଣ୍ଣଲ ପଦାର୍ଥର ପଞ୍ଚମ ଅବସ୍ଥା କୁହାଗଲା, ଏରିକେ କର୍ଣ୍ଣଲ ଏଇ ଯୋଉ ଦେଖ ଏଇଠି ୱାଲ୍ଫଗାଙ୍ଗ କେଟେଲି ଓ କାରିଲ ୟୁମ୍ୟାନ ବୋସ୍ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ ସଂଗ୍ରହିତ ଉପରେ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଗବେଷଣା କରି 2001 ମସିହାରେ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନରେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ତ ଏମାନେ ଯେ ବୋସ୍ ଆଉ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ ତା ବିଷୟରେ ଖାଲି ଗଣନା କରିଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତା ବିଷୟରେ ଅଧିକ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଦେଇନଥିଲେ, ଠିକ ଅଛି। କଣ ପାଇଁ ସେ ଟାଇମରେ ସେମାନେ ସେତିକି ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିପାରିନଥିଲେ, ଆଜିକା ଡେଟରେ ଯେତିକି ଆମେ ଉନ୍ନତ ହେଲେଣି ସେ ଟାଇମରେ ସେତିକି ଉନ୍ନତ ନଥିଲା, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଥିଲା, ଏ ଟାଇପ୍ର ସବୁ ହେଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ଗଣନା କରିଦେଇଥିଲେ, ଖାଲି ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ କାଲକୁଲେସନ କରିଦେଇଥିଲେ କି ଫିଜିକାଲ କାଲକୁଲେସନ କରିଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ବି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ କିଏ, ଏରିକେ କର୍ଣ୍ଣେଲ, ୱୋଲ୍ଫଗାଙ୍ଗ କେଟଲର, ହେଲା ସରି କେଟଲ, କାର୍ଲି ୱେମେନ, ଏମାନେ ଏ ବିଷୟରେ ସବୁ ପରୀକ୍ଷା କରିକି 2001 ମସିହାରେ ଏହାର ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଗବେଷଣା କରିଥିଲେ ବା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରିଥିଲେ, କଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ 2001 ମସିହାରେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା, ଠିକ ଅଛି। ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ହେଉଛି ସାଇନ୍ସର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପୁରସ୍କାର, ଠିକ ଅଛି। ଚାଲ ଦେଖିବା, ଅତି କମ୍ ସାନ୍ଦ୍ରତାରେ ଦେଇଦେବି ପିଲାମାନେ, ସାଧାରଣତଃ ଅତି କମ୍ ସାନ୍ଦ୍ରତାରେ ସାଧାରଣ ବାୟୁର 1/100 ସାନ୍ଦ୍ରତା କୌଣସି ଏକ ଗ୍ୟାସକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା କରିଲେ ପଦାର୍ଥରେ ବୋସ୍ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ ସଂଘନିତ ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ କୌଣସି ପଦାର୍ଥକୁ ଅଧିକ ଗରମ କରିବା ମାନେ ସେ ପ୍ଲାଜମା କଣ୍ଡିସନକୁ ଯିବ, ଅଧିକା ଥଣ୍ଡା କରିବା ମାନେ ସେ କେଉଁଥିକୁ ଯିବ, ବୋସ୍ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ ସଂଘନିତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯିବ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ତ ମାନେ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଫର ଲ୍ୟାବ CHEM ଫର କିଡ୍ସ .com ମାରିପାରିବ, ହେଲା। ସେଇଠି ଦେଖିଲେ ତମେମାନେ ପଦାର୍ଥ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ଅବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇପାରିବ, ହେଲା। ଆଜିର ଯୁଗ ହେଲା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯୁଗ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଶିଖ, ସେଥିପାଇଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ତମେମାନେ ଏବେ ପଢିବା ଶିଖିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଠିକ ଅଛି। ଏଇଟା ମୁଁ କହୁନି, ଏଇଟା ତମ ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଠିକ ଅଛି। ତ ଦେଖ ଏଇଠି ଆମ ଦୁଇ ଜଣ ମହାନ ବୈଜ୍ଞାନିକର ଏଇଠି ଫଟୋ ଦିଆହେଇଛି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କ, ମାନେ ଜୀବନ କେତେ ବୟସ ଯାଏ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବି ଲେଖା ହେଇଛି, ହେଲା। ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡ୍ କୁ ଯିବା ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଥିରୁ ତମର ପରୀକ୍ଷାରେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡିବ। ତାପମାତ୍ରାକୁ କୋଉଥିରେ ମପା ହଉଛି, କେଲଭିନରେ ମପା ହଉଛି, ତା ପ୍ରତୀକ କଣ କେ। ଦୂରତାକୁ କୋଉଥିରେ ମପା ହଉଛି, ମିଟରରେ ମପା ହଉଛି, ତା ପ୍ରତୀକ କଣ ସ୍ମଲ ଏମ୍। ବସ୍ତୁତ୍ୱ ବା ଓଜନକୁ କୋଉଥିରେ ମପା ହଉଛି, କିଲୋଗ୍ରାମରେ ମପା ହଉଛି, ତମେ ଯାଇକି ଆଳୁ ଓଜନ କେଜିରେ ଦିଅ ବୋଲି କହୁଛ, ହେଲା। ତ ତାକୁ କୋଉଥିରେ ମପା ହଉଛି, କେଜି, ହେଲା, କିଲୋଗ୍ରାମ, ଆଉ ପ୍ରତୀକ ହଉଛି କେଜି। ଓଜନର ସେମିତି ନ୍ୟୁଟନ,
आ तार प्रतीक हो एन तुम पचार गुरुजी ओजन आस्तु भर फरक कौन पिला से विषय में आम बहुत ब्रीफली पढ़िया कि जाणी पाखापाखि सेम दीटा जाए वस्तु तो ओजन पाखापाखि सेम कि विषय में फिजिक्स अलग रहे है जो पढ़चे विज्ञान टी अलग रहे विषय में आम छ नंबर कि सात नंबर चैप्टर में पढ़ा विषय ठीक अच्छे तार पे देख आयतन आयतन टा घन मीटर बा मीटर क्यू स्मॉल एम क्यू सांद्रता किग्रा बाय मीटर क्यू बा केजी मीटर क्यू ठीक अच्छे केजी पर मीटर क्यू चाप चाप होची पास्कल बा पीए परीक्षा एटा तुम शॉर्ट क्वेश्चन पड़ो आज एति धन्यवाद ये चैप्टर टी समाप्त होगा तुमने आशा कर पाठटी को भलसे बुझी थी जदि न बुझ मत पचारिपर डाउट क्लास धन्यवाद।